इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम के लास्ट 3 साल में कट ऑफ कितनी रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने जरूरी है सिलेक्शन के लिए। तो आपको सबसे पहले मैं 2019 की कट ऑफ दिखाऊंगा, उसके बाद 2018 की और उसके बाद 2017 की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका एनालिसिस आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2019 में जो कट ऑफ रही थी, यूआर कैटेगरी में मेल और फीमेल की दोनों अलग अलग, या मैं बता रहा हूँ आपको, तो यूआर कैटेगरी में मेल की रही है 79 और फीमेल की रही है 68। उसके बाद आपके ओबीसी कैटेगरी में देखा जाए तो मेल की कट ऑफ रही 77 और फीमेल की रही है 64। उसके बाद आपके एससी कैटेगरी में देखे जाए तो मेल की रही है 72 और फीमेल की रही है 58। ये आपके 100 मार्क्स में से है, तो आप देख सकते हो आपके लिए कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कंपलसरी है सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आपके एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो 2019 में मेल के लिए 76 कट ऑफ रही थी, फीमेल के लिए 62 रही थी। ये तो बात ही 2019 की। अब मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2018 में कट ऑफ क्या रही थी, 2018 और 19 में कितना अंतर आया, और उसके बाद 2017 की बात करूंगा। तो आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज में यूआर कैटेगरी में मेल की रही है 77 और फीमेल की रही है 66। उसके बाद आपके ओबीसी कैटेगरी में मेल की रही है 76 और फीमेल की रही है 62। उसके बाद आपके एससी कैटेगरी में मेल की रही है 17 और फीमेल की रही है 56। उसके बाद आपके एसटी कैटेगरी में मेल की रही है 74 और फीमेल की रही है 61। अब बात करूंगा मैं आपसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2017 की कट ऑफ क्या रही, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा इस बार आपके लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा, ताकि आप कट ऑफ की फिर चिंता ही ना करो कि सिलेक्शन पक्का है। तो 2017 के में आपके यूआर कैटेगरी में मेल की रही है 78, फीमेल की रही है 73, ओबीसी कैटेगरी में मेल की रही है 75 और फीमेल की रही है 69, एससी कैटेगरी में मेल की रही है 68 और फीमेल की रही है 64, और एसटी कैटेगरी में मेल की रही है 67 और फीमेल की रही है 57। तो अब आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं मेल की बात कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी में 2017 में 78 गई थी, 2018 में गई थी 77 और 2019 में गई थी 79। यानी कि आप 80 स्कोर कर दो वो आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा, इस बार भी कट ऑफ आपके इसी के आसपास जाएगी। फिर आप देख सकते हो फीमेल की 68 गई, उसके बाद 66 रही है और उसके बाद 73 गई थी। यानी कि 2017 में फीमेल की कट ऑफ हाई गई थी, यानी कि फीमेल कैटेगरी वाले 75 से 80 के बीच में स्कोर कर दे अपना सेफ स्कोर ये रख सकते हैं। इसके बाद मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, मेल में 75 गई थी, 76 गई थी और 2019 में 77। यानी कि ओबीसी वाले मेल वालों के लिए भी 75 से 80 स्कोर सेफ स्कोर माना जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो फीमेल में 64 रही थी ओबीसी की, उसके बाद 62 रही थी और ओबीसी की 69 रही थी। यानी कि फीमेल कैटेगरी में देखा जाए तो 65 से लेकर 70 के बीच में आपका सेफ स्कोर रहेगा। इसके बाद एससी कैटेगरी में देखा जाए तो मेल कैटेगरी में 68 रही थी 2017 में, 2018 में 70 रही थी और 72 2019 में रही। तो यानी कि 70 से लेकर 75 के बीच में आपका स्कोर क्या रहेगा, सेफ माना जाएगा। लास्ट 3 साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। उसके बाद आप एससी फीमेल में देख सकते हो 58, 2018 में 56 और 64 रही थी 2017 में। यानी कि इस 2017 में आपके ज़्यादा गई थी 64। तो इसके लिए आप मेरे को मैं बता देता हूँ 60 से लेकर 65 तक है आपका सेफ स्कोर माना जा रहा है। अब बात करता हूँ एसटी कैटेगरी में मेल की, 67, उससे पहले 74 और 2019 में 76 गई थी। तो यानी एसटी कैटेगरी की मेल भी कट ऑफ भी हाई गई थी, तो आपका सेफ स्कोर 75 से लेकर 80 के बीच का माना जाएगा। इसके बाद आपकी फीमेल में देखा जाए तो 62 2019 में, 2018 में 61 और 2017 में 57। यानी कि 60 से लेकर 65 के बीच में आपका सेफ स्कोर है। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो आप जिन्होंने 80 प्लस स्कोर कर दिया वो तो समझो उनका सिलेक्शन पक्का प्री एग्जाम के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आयोजित होने वाले एग्जाम का एनालिसिस आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा।